Hey guys, welcome back to my channel. 1 minute, I'll be right back. Hey guys, welcome back to another Chai Talk podcast video. So, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको वेलकम और जो मेरे चैनल पर पुराने हैं उनको वेलकम बैक. आई नो ये वीडियो बहुत लेट है बट लास्ट वीक मैं कुछ काम में फंस गई थी तो आई वॉज बिट बिजी एंड जब मैं उस काम से फ्री हुई तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. आई वॉज फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड सो मैंने कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया. बट नाउ आई एम विद यू गाइज विद माई चाय. तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ आपको कि जो जुलाई मंथ की वीडियोस होंगी वो हर वीक के थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कंटिन्यूटी में देखने को मिलेंगी आपको मेरी वीडियोस अंडर द प्लेलिस्ट समर एडिशन. तो आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं या पुराने हैं तो अगर आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं जुलाई मंथ की तो आप जस्ट मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए और उसके अंदर समर एडिशन होगा एक नाम का फोल्डर, उस पर क्लिक करिए और सारी जुलाई मंथ की वीडियोस आपको उसमें देखने को मिलेंगी. गाइज जुलाई मंथ इज गोइंग टू बी ऑसम सो आई एम टेलिंग यू. अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करें. उनको भी बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई जब मैंने ये पूरा जुलाई का प्लानर डिस्कस किया अपने खुद के साथ और बनाया. इट वॉज वेरी अमेजिंग फीलिंग. सो आई होप कि ये जुलाई की जो भी वीडियोज़ होंगी जितनी भी वीडियोज़ होंगी आप लोगों को अच्छी लगेंगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इन वीडियोज से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में. सो विदाउट एनी फर्दर अडियो आज के टॉपिक पे हम बात करना शुरू करते हैं. तो जो आज का टॉपिक है वो है 7 lessons टू लर्न फ्रॉम 2021. तो जैसे आप सबको पता है कि हम जुलाई मंथ में है विच इज द 7th month ऑफ द ईयर. तो हम अभी तक के 7 months जो जा चुके हैं, जुलाई तो अभी चल रहा है बट फिर भी मैंने जुलाई को भी इंक्लूड किया है. तो अभी तक के जो 6 months जा चुके हैं इंक्लूडिंग जुलाई, तो हम उस चीज से रिलेटेड lessons इंक्लूडिंग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई जो मैंने पर्सनली सीखे हैं इन 2021 जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी शायद आपको भी काम आ सके आगे आने वाले जो भी मंथ्स लेफ्ट हैं उसमें, या मे बी आप में से कुछ लोगों ने भी वही सेम लेसन सीखे हो 2021 में जो मैंने सीखे हैं. तो बिना किसी फर्दर अड्डू के आई प्रॉमिस दिस टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. जो पहला लेसन मैंने सीखा है जनवरी मंथ में वो ये है कि लिव इन द मोमेंट. मैं अपनी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में ये पहले भी बोल चुकी हूँ दैट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम प्रेजेंट मोमेंट में जिए. अगर हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पे फोकस, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, अगर हम खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलने पे फोकस, अगर हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या जैसे कि मैं यहाँ पे बैठकर आपके साथ बातचीत कर रही हूँ तो सिर्फ इसी चीज पे फोकस. हम क्या करते हैं कि हम फॉर इंस्टेंस खाना खा रहे होंगे लेकिन इतनी ज्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे होंगे और हम ये सोच रहे होंगे कि खाना खाने के बाद हम ये करेंगे हम वो करेंगे हम सो जाएंगे. नहीं, हमें सिर्फ इन द मोमेंट जीना चाहिए जो कि मैंने अपने लाइफ में जनवरी 2021 में सीखा है. और मैंने जब ये हैबिट सीखी है लिव इन द मोमेंट में रहने की तब से ट्रस्ट मी लाइफ थोड़ी सी इजी हो गई है. ट्राई कीजिएगा आप भी इस वीडियो को देखने के बाद कि आप भी आगे से लिव इन द मोमेंट प्रैक्टिस कर सकें.
तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड लेसन की तरफ जो मैंने सीखा है फेब्रुअरी मंथ में, विच इज कि कोशिश करो कि आप अपने लॉजिकल ब्रेन से ज्यादा डिसीजंस लो लाइफ में. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है, बट हम लोगों के दो ब्रेन्स होते हैं, एक लॉजिकल ब्रेन एंड एक फीलिंग ब्रेन. हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो हर टाइम फीलिंग ब्रेन के ऊपर डोमिनेट करता है, तभी हम लोग बहुत बारी अपनी लाइफ में फीलिंग्स में बहकर डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हम ऑलमोस्ट रिग्रेट करते हैं बाद में. तो हमने ये प्रैक्टिस करना है कि हम लॉजिकल ब्रेन से ज्यादा सोचें, ना कि फीलिंग ब्रेन से. मैंने फेब्रुअरी मंथ में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया कि मैं अपने लॉजिकल ब्रेन से सोचूं और लॉजिकल ब्रेन से डिसीजंस लूं अपनी लाइफ में, ना कि फीलिंग ब्रेन से. तो आप भी ट्राई कीजिए कि आप भी आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में लॉजिकल ब्रेन से डिसीजंस लें, ना कि फीलिंग ब्रेन से. हाँ, ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशंस हो जब आपको फीलिंग ब्रेन से डिसीजन लेना पड़े तो ऑब्वियसली गो फॉर इट, बट बहुत बारी जब लॉजिकल ब्रेन से डिसीजंस लेने की बारी आती है तब भी हम मार खा जाते हैं, तो हमें उस चीज पर ध्यान देना होगा. फर्दर वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली हेयर कलर कराए हैं, आप देख सकते हैं, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसे लग रहे हैं मेरा न्यू हेयर कलर, जस्ट फॉर फन. तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड लेसन की तरफ जो मैंने मार्च के महीने में सीखा है, विच इज हार्ट ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट. हम लोग ये बहुत सोचते रहते हैं कि हमारा ही दिल क्यों टूटा या हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, पर मुझे एक बात रियलाइज हुई मार्च 2021 में दैट अगर हमारे दिल ना टूटे होते या हमारे हार्ट ब्रेक्स ना हुए होते तो आज जो हम हैं लाइफ में अपनी, या जितनी ग्रोथ हमने करी है अपनी लाइफ में, हम वो नहीं कर पाते कभी भी. आई नो बहुत सारे लोगों की ग्रोथ राइट डायरेक्शन में नहीं होती है हार्ट ब्रेक के बाद, वो लोग अपनी डी ग्रोथ कर लेते हैं बजाय ग्रोथ करने के. दैट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. मोस्टली लोगों की ग्रोथ होती है हार्ट ब्रेक के बाद, वो अलग बात है कि हम में से कुछ लोग अप्रिशिएट नहीं करना चाहते अपने आप को या एनालाइज नहीं करना चाहते सिचुएशंस को, और हम फोर्सफुली भी किसी को एनालाइज नहीं करवा सकते चीज़ों को. दैट्स द डिफरेंट थिंग. बट अगर आप बैठोगे और सोचोगे आपका अगर कोई रीसेंट हार्ट ब्रेक हुआ है या बहुत टाइम हो गया हार्ट ब्रेक हुए हुए, तो एनालाइज करना कि आपकी चाहे इतनी सी ग्रोथ हुई हो लेकिन हुई जरूर होगी. तो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ लेसन की जो मैंने सीखा है अप्रैल मंथ में, विच इज लाइफ बहुत सिंपल है. हम हैं वो लोग जो लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और फिर उसके बाद ये सारा टाइम स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, ओ लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, एसेट्रा एसेट्रा. ये बट ऑब्वियस है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते कि कैसे हैंडल करने हैं, लेकिन इवेंचुअली हमें पता लग जाता है या हम यूज्ड टू हो जाते हैं उस प्रोसेस से कि हाँ ऐसे हैंडल करनी है ये सब चीजें. तो ऐसा मत सोचिए कि आप ही के साथ प्रॉब्लम्स हैं या आप ही के हार्ट ब्रेक्स हो रखे हैं, बाकी की सारी दुनिया बहुत अच्छे से जी रही है या स्टफ लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होती हैं बहुत सारी चीजें. इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं उस चीज का या उस प्रॉब्लम का. इट्स टोटली अप टू यू. टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज, लाइफ की प्रॉब्लम्स जो मतलब आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, देखी भी नहीं होंगी, और हार्ट ब्रेक्स पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, वट एवर जितनी भी बार हो रहा है, ये चलता रहेगा जब तक है जान, जब तक है जान. बस वेज और मेथड्स ढूंढने होंगे इन प्रॉब्लम्स या हार्ट ब्रेक्स के, ताकि आप उन सॉल्यूशन से या उन मेथड्स को यूज कर बाहर आ सको स्ट्रांगली.
तो गाइस अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ लेसन की जो मैंने सीखा है मई मंथ में, विच इज ऑब्जर्व करना शुरू करो अपने सराउंडिंग्स को और लोगों को। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं और हम एक दो चैट्स में ही उस इंसान को इतना ज़्यादा ओवर जज कर लेते हैं कि हम गलत या बुरी स्टेटमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक या दो चैट में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, और मैंने ये चीज़ सीखी है अपनी लाइफ में इस मंथ में, मई मंथ में, कि आप किसी की लाइफ में 120th पेज पे मिले हो उसे, तो आप कैसे 119 पेज तो आपने पढ़े नहीं ना उस पर्सन से रिलेटेड, आपको पता ही नहीं है कुछ, तो कैसे आप इतनी ज्यादा बुरी या फिर इतनी ज्यादा बेकार स्टेटमेंट्स पास कर सकते हो उस इंसान से रिलेटेड किसी और इंसान को जो उस इंसान से मिला ही नहीं है। That's not okay. See, हम एक दूसरे को जज तो करते ही रहेंगे, ये एक ह्यूमन बींग का एक फीचर है ऐसा जो चाह कर भी बदल नहीं सकता। ठीक है, जज करो, बट ओवर जज मत करो, और इतना भी जज मत कर लो किसी को कि आप किसी के लिए बुरी स्टेटमेंट्स या बुरी थिंकिंग रख रहे हो और कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से किसकी उस दूसरे पर्सन को हर्ट कर रहे हो या हार्म पहुंचा रहे हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने सिक्स्थ लेसन की जो मैंने सीखा है जून मंथ में, विच इज कीप ऑन गोइंग इन योर लाइफ, डोंट स्टॉप। या आप रेस्ट कर सकते हो फॉर सम टाइम इफ यू आर नॉट फीलिंग ओके, या आपको कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए, दैट्स फाइन, बट डोंट स्टॉप या डोंट क्विट। जो आपने स्टार्ट किया है ट्राई कीजिए कि आप उसे फिनिश करें। लाइफ में बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो रिलेटेड होती हैं उन चीजों से जो आप चाहते हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज आपको ऐसे बैठे बैठे नहीं मिल सकती, आपको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए पहले काम करना होगा। और अगर वो सेम अपॉर्चुनिटी जो आप चाह रहे हैं वो आपके किसी फ्रेंड, कलीग या कोई भी आसपास जानने वाले लोग को मिल रही है, तो बुरा मत फील कीजिए, क्लैप फॉर दैट पर्सन। हाँ, आई नो थोड़ा सा बुरा लगता है, आई गेट इट, बट आप उस सिचुएशन में, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो उस सिचुएशन में अपने आप को डिटॉक्स करो। अगर आपको नेगेटिविटी आ रही है तो वहां से हट जाओ। अब हम फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट मंथ की जो है सेवेंथ मंथ, जुलाई मंथ की, जो मैंने सीखा है कि सेल्फ केयर इज नॉट अ सेल्फिश थिंग। जो जो भी लोग आपको ये कहते हैं ना कि तेरे को तो बस हमेशा अपनी केयर करनी होती है, या तेरे को तो सिर्फ अपनी पड़ी है, या तेरे को तो सिर्फ अपना देखना होता है, तो मैं कहूंगी कि कहने दो ऐसे लोगों को जो कहते हैं, लेट इट बी। गाइस, किसी और पे इतना ज़्यादा टाइम लगाना या एनर्जी लगाना या इतना ज़्यादा उस इंसान के लिए केयर करना या अंडरस्टैंड करनी उसकी इतनी सारी सिचुएशंस या उसको पैम्पर करना, ये सब करने से पहले अपने आप को एक बार अपने आप से पूछ लेना कि क्या आपने अपने लिए ये सब किया है। अगर तो किया है तो फाइन, गो फॉर इट, कीजिए उस इंसान के लिए जो आपको प्यारा है, आपके क्लोज है, गो फॉर इट। बट अगर आपने वो सब चीजें अपने लिए नहीं की है ना कभी, तो प्लीज इट्स हाई टाइम कि पहले आप वो अपने लिए कीजिए, फिर किसी और के बारे में सोचिए। सो दिस इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड सून, यानी कि कल, और फिर उससे अगला कल, फिर उससे अगला कल। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग एंड एक्साइटिंग, आई एम सो एक्साइटेड एंड नर्वस टू। आई होप आप लोगों को ये सब वीडियोस पसंद आए, एंड आपको कैसी भी कोई भी सजेशन, आइडियाज मुझे देना हो तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं सीरियसली वो चीज़ें अपनाने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं फॉलो नहीं कहूँगी,
इट्स लाइक कनेक्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पर भी. मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बिलो में ऐड कर दूंगी, तो आपके लिए इजी होगा. तो अब मैं चलती हूँ, मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, मुझे गर्म करनी पड़ेगी एंड देन फिनिश करनी पड़ेगी. एनीवेज आई विल सी यू सून. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय.